हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे पिंकी कुकिंग चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ में एक मेथी के पराठों की बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद आपको पसंद आए। यहाँ पर हमने आटा लिया है, आटे में हमने डाला है थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी और एक आधा चम्मच ही नमक। अभी इस आटे में हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे हम मेथी, हरी मिर्ची और लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट, जिससे ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इस आटे के बैटर को थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए, थोड़ा सा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच तेल या फिर घी, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो। अब इस आटे को हम अच्छे से सॉफ्ट गूंदेंगे और देखिए ये अब हमने इस आटे को गूंद लिया है। अब इस आटे के हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर और इसके पराठे बनाएंगे। इस तरीके से पराठे बनाने पर ये पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। एक बार आप भी इस तरीके से पराठों को बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। देखिए इस तरीके से इस पराठे को अच्छे से बेल के और इसको तवे पर डाल के और इसको रिफाइंड या फिर घी के साथ जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको अच्छे से सेक सकते हो और ये पराठे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हरी सब्ज़ियाँ खाने से बहुत कतराते हैं, तो इस तरीके से वो हरी सब्ज़ियाँ भी खा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये पराठा अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये हमारा पराठा सिककर अच्छे से तैयार हो चुका है। इस पराठे को आप दही अचार या फिर चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।